देश में चल रहे संकट के बीच लगभग सभी राज्यों ने स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मेट्रो, मॉल, बाजार, मंदिर, मस्जिद बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं पीएम मोदी ने भी 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में रहने की अपील करते हुए इस दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से यह बात कही। देश में चल रहे संकट के बीच एक तरफ जहां वह लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरएसएस, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, वह प्रधानमंत्री मोदी की अपील को पूरी तरह से नहीं पालन करते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ने 22 मार्च को अपनी शाखा लगाने के फैसले को नहीं बदला है। हालांकि उन्होंने अपने समय में बदलाव जरूर किया है। मालूम हो कि 22 मार्च को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगभग पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा, लेकिन आरएसएस अपनी शाखा नहीं बंद करेगा। जैसा कि हमने बताया कि आरएसएस शाखाओं को बंद नहीं कर रही है, बल्कि इसके समय को बदल दिया गया है। शाखा सुबह 6:30 बजे से पहले या रात को 9:30 बजे के बाद लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने आने वाले रविवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किसी को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जहां तक हो इन दिनों घरों से बाहर न निकलें। संघ के सरकार्यवाह भैया जी जोशी के हवाले से एक ट्वीट में लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के आह्वान को ध्यान में रखकर शाखाएं उस दिन प्रातः 6:30 बजे से पहले या रात्रि 9:30 बजे के बाद लगेंगी। अपने अपने क्षेत्र, मोहल्ला या सोसाइटी में सुविधा अनुसार कुछ स्वयं सेवक एकत्र होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको बता दें कि संघ ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया था। संघ ने कहा था कि वो इन सभी प्रयासों का समर्थन करता है। संघ ने अपनी सभी स्वयं सेवकों को संकल्प और संयम के इस मंत्र को लेकर 22 मार्च को अपना योगदान करने को कहा था। देखा जाए तो बीजेपी से जुड़े होने के नाते आरएसएस को देश हित और खुद के हित के लिए भी पीएम मोदी की अपील से बढ़कर कदम उठाने की जरूरत है। अगर संघ 22 मार्च को शाखा नहीं लगाता तो यह काफी बेहतर होता और इससे अच्छा संदेश जाता। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।